हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो उत्तर देख लीजिए, बाघ परियोजना। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर राजस्थान एवं सुंदरवन चीता अभयारण्य पश्चिम बंगाल है। एक बार और देख लीजिए, बाघ परियोजना। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर राजस्थान एवं सुंदरवन चीता अभयारण्य पश्चिम बंगाल है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बाघ परियोजना का वर्णन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।